अलजबरा का क्वेश्चन हमारे सामने है, कहता है द सेल प्राइस ऑफ ए कार इज रुपीज 12,590 विच इज 20% ऑफ द ओरिजिनल प्राइस, व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस। तो कार इतने में बेची गई, ये गया हमारे पास क्या दिया हुआ है उसकी सेलिंग प्राइस जो के है 12,590 और उस पर कितनी कंसेशन दी गई है 20% ऑफ किया गया है, गोया डिस्काउंट या लेस या डिक्रीज जो की गई है उसका रेट कितना है, डिक्रीज या डिस्काउंट का 20%। 20% तो परसेंट अगर हटाएं तो नीचे 100 आ जाता है, परसेंट इक्वल टू 1/100 तो यही कन्वर्ट हो जाएगा 1/5 में, रिड्यूस होके क्या हो जाएगा 1/5। और हमें उसने क्या पूछा है, ओरिजिनल प्राइस उसकी क्या है, जिसे हम कॉस्ट प्राइस भी कह सकते हैं कि बेचने वाले ने खरीदी कितने की थी, उसे हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं नॉर्मली, वो उसने यहाँ पूछी। इन तीनों चीज़ों में रिलेशन के लिए आप दो मेथड यूज़ कर सकते हैं, एक अलजेब्रिक इक्वेशन का तरीका और एक फार्मूला का तरीका। तो अगर आप इसे अलजेब्रिक इक्वेशन वाले मेथड से करते हैं तो आप ये अज्यूम कर सकते हैं कि जो कॉस्ट प्राइस है वो एक्स रुपीस है। तो क्या किया गया, उस कॉस्ट प्राइस में हमें कंसेशन दी गई, ऑफ किया गया कितना 20%, इट मीन्स के एक्स में से 20% ऑफ एक्स जो है वो डिस्काउंट कर दिया गया, तो कितने की सेल हुई 12,590 की। तो इस तरह से आप एक रिलेशन बना लेंगे, 20% मीन 20/100, और जब फ्रैक्शन के साथ ऑफ आता है तो वो अगले वाली चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करता है। फिर सुन लीजिए क्या रूल होता है, अगर फ्रैक्शन और बीच में ऑफ लिखा हो तो वो फ्रैक्शन ऑफ वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाता है। अब ये रिड्यूस हो के 20 से 1/5, दोनों का अगर हम एलसीएम ले लें या यू कह लें एक्स कॉमन ले लें तो 1 - 1/5, इसका दोनों का अगर आप एलसीएम लेंगे तो ये 5 आएगा, तो 5 - 1 दैट इज 4/5, ये 4/5 एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इसे अगर आप दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें तो क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 4/5 दूसरी साइड पे शिफ्ट होगा तो बन जाएगा 5/4, रेसिप्रोकल आ जाएगा। 4 से इसको आप रिड्यूस करें तो 4 3 = 12, 4 1 रिमाइंडर, नेक्स्ट 19, तो 4 4 = 16 एंड 30, तो 4 7 = 28 एंड 20.5। 5 से इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 5 = 25, 5 7 = 35 एंड 2 37, 5 4 = 20 एंड 3 23, 5 1 = 5 एंड 2 7 एंड 5 3 = 15। इट मीन्स के कास्ट प्राइस थी 15,737.5, ये आपकी कास्ट प्राइस आ गई। ये हमने इक्वेशन बनाई अलजेब्रा के मेथड से। अगर आप चाहें तो उसके बजाय इन तीनों चीज़ों में जो रिलेशनशिप का फार्मूला है उसे भी यूज़ कर सकते हैं, और उस फार्मूले का फ़ायदा ये है कि तीनों में से जो सी चीज़ भी आपको मालूम ना हो वो आप मालूम कर सकते हैं। फार्मूला क्या है, फार्मूला है सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 1 - रेट ऑफ डिक्रीज आर डिस्काउंट मल्टीप्लाइड बाय ओरिजिनल वैल्यू आर कॉस्ट प्राइस। ओरिजिनल वैल्यू को हम कॉस्ट भी कहते हैं। अब हमें तो कॉस्ट चाहिए, तो फिर ये जो वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो रही है दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड हो जाएगी, तो रिजल्ट क्या बन जाएगा, सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय 1 - रेट ऑफ डिस्काउंट इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। अब यहां सेलिंग प्राइस हमारे पास कितनी थी, 12,590, तो 12,590/1 - रेट, तो रेट था 20%, तो ये इसमें से माइनस करना है। मैं इसको अगर सिंपलीफाई करूं तो ये हमारे पास आंसर इसका कॉस्ट प्राइस का आ जाएगा 20%, तो 20/100 दैट इज 1/5,
एलसीएम ले लेंगे तो 5 माइनस 1 नीचे आ जाएगा 4/5। इस 4/5 को अगर आप ऊपर शिफ्ट कर दें तो ये जाके बन जाएगा 5/4, और इसको सिंपलीफाई करेंगे तो सेम रिजल्ट आएगा 15,737.5। और चूंकि मैं ज़ुबानी कैलकुलेशन कर रहा हूँ और आपके भी ज़्यादातर एग्ज़ाम में ज़ुबानी ही अलाउ होता है, कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, तो हो सकता है कोई मिस्टेक हुई हो, तो मेथड दुरुस्त है। अगर कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ हो तो आप उसको खुद दोबारा कैलकुलेट करके देख के सही आंसर निकाल सकते हैं। मेरी किसी भी वीडियो में अगर कैलकुलेशन में गलती हो गई है तो भाई इंसान है, इंसान से गलती होती रहती है और मैं वीडियोज़ को एडिट नहीं करता, तो गलती के साथ जो है वो आप उसको दुरुस्त कर लीजिए। एक छोटी मोटी कैलकुलेशन से गलत होने का मतलब ये नहीं है कि आपका जो टीचर है उसको कुछ आता नहीं है। तो इस तरह की जो छोटी सोच बाज लोगों के जहन में होती है वो नहीं आनी चाहिए। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो इसको लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आइंदा भी इस तरह की वीडियोज़ की इतला मिलती रहे। और मज़ीद अगर आपका कोई अपना क्वेश्चन का प्रॉब्लम है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा तो यहाँ कमेंट्स में वो क्वेश्चन लिखिए, हम आपको उसका सलूशन बताएंगे। जैसे ये हमें क्वेश्चन जो है ये ईमेल के थ्रू आया था, हम उसको आपका सलूशन बता रहे हैं, वो स्टूडेंट भी इसको देख लेगा और बाकी लोगों को भी इससे फ़ायदा होगा। इसी तरह आप कमेंट में भी जो लिखेंगे उसका सलूशन इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। और इस वक्त स्क्रीन पे मुख्तलिफ लेक्चर्स के लिंक्स आ रहे हैं, अलजबरा से रिलेटेड भी और दीगर भी, जो टॉपिक आपको पसंद हो आप उस पर क्लिक करके उसको वॉच कर सकते हैं और मज़ीद सीख सकते हैं। मेहनत कीजिए, मेहनत से ही आपको कामयाबी मिलेगी। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।